अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपसे शेयर करेंगे शीर खुरमे की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। वैसे तो ये ईद स्पेशल रेसिपी है, लेकिन आपका कभी भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसे हम गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं या फिर हम इसे फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी बनाना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले चीज़ें देखेंगे हम। हमने यहाँ पर 100 ग्राम काजू लिए हैं जो हमने पानी में भिगो कर रख दिए थे ओवरनाइट, और फिर हमने इन्हें नाइफ़ की हेल्प से कट कर लिया है। बादाम हमने लिया है 100 ग्राम, इन्हें भी हमने पानी में भीगने के लिए रखा था। इनका छिलका हमने नहीं उतारा है, आप चाहें तो इनका छिलका भी उतार लें। 100 ग्राम हमने चिरौंजी ली है यानी कि चारोली, चिरौंजी को भी हमने पानी में भीगने के लिए रखा था। खजूर लिए हैं यानी कि जो सूखे छुहारे होते हैं 100 ग्राम, इन्हें भी हमने पानी में भीगने के लिए रखा था और उसके बाद बीज निकालकर इस तरह से कट कर लिया है। किशमिश हमने 100 ग्राम ले लिया है। खोया हमने 250 ग्राम लिया है, आप चाहें तो खोया ऐड करें या फिर स्किप कर दें, बिल्कुल ऑप्शनल है इस रेसिपी में। सेवई हमने यहाँ पर ली है 100 ग्राम, सेवई की क्वांटिटी कम होती है इसलिए हमने कम सेवई ऐड किया है। यहाँ पर हमने भुनी सेवईयों का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा इन्हें हम घी में फ्राई कर लेंगे। चीनी हमने लिया है 100 ग्राम, चीनी हमने कम ही लिया है क्योंकि खोए में भी मिठास होती है और शीरखुरमा जब हम बनाते हैं तो उसकी क्वांटिटी हाफ हो जाती है, इसलिए मिठास बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर हम चीनी ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 4 लीटर हमने दूध लिया था, इसे हमने 3 से 4 बार बहुत अच्छे से उबाल लिया है और उबालने के बाद इसकी क्वांटिटी देखिए कितनी कम हो गई है। फ्लेम को लो करके हम एक साइड गैस स्टोव पे रख देंगे दूध को और गाढ़ा होने के लिए, दूसरे साइड गैस स्टोव पे हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अपने बर्तन में ऐड किया है घी 2 टेबल स्पून, उसके बाद हमने इसमें बादाम ऐड कर दिए हैं। बादाम ऐड करने के बाद हम इसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे, काजू भी ऐड कर देंगे साथ ही साथ। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ध्यान देना है कि ये ड्राई फ्रूट जल ना जाए। काजू बादाम बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसमें चिरौंजी को भी फ्राई कर लेंगे। चिरौंजी भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे घी से बाहर। अब इसी घी में हम छुहारे को भी फ्राई कर लेंगे। तो छुहारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्लेट में निकाल कर रख लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया, खोए को भी हम अच्छे से फ्राई कर देंगे। दूसरी तरफ गैस स्टोव पे दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, इधर हम फ्राई करने वाले इंग्रेडिएंट्स फ्राई कर रहे हैं। तो खोया अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम खोए को निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में, उसके बाद हम ऐड कर देंगे घी फिर से और फिर हम सेवई को फ्राई कर लेंगे। तो हमने घी ऐड कर दिया है अपने बर्तन में, घी ऐड करने के बाद हम सेवईयों को फ्राई कर लेंगे इसमें। दूसरी तरफ दूध अच्छे से उबल रहा है, दूध को हमने लो फ्लेम पर गाढ़ा होने के लिए रखा था, दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। सेवइयों को फ्राई करने के बाद हम दूध में इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे बाकी के। तो ये देखें सेवई अच्छे से भुन चुकी है, अब हम सेवई को निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। हमने सेवई यहाँ पर बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, मगर शीर खुरमे में सेवई बहुत कम ऐड होती है, दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये देखें दूध उबल चुका है अच्छे से और दूध की क्वांटिटी हाफ हो चुकी है, और इस पर मलाई देखिए कितनी अच्छी थिक मलाई जमी है। इस मलाई को हम साइड कर देंगे इस तरह से। तो इस दूध में इतनी मलाई है, अगर आप खोया ना ऐड करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खोया ऐड करेंगे तो और भी टेस्टी बनेगा हमारा शीर खुरमा। तो अब हम चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, सबसे पहले हम हरी इलायचियाँ ऐड कर देंगे, जो कि हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया था। 5 से 6 हरी इलायची हमने कूट कर ऐड कर दी हैं, आप चाहें तो पाउडर ऐड कर दें, लेकिन हमने यहाँ पर कूट कर इलायची ऐड की है। तो हरी इलायची ऐड कर देने से हमारे शीर खुरमे में बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है।
और अब हमने सभी तरह के ड्राई फ्रूट ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो पहले हमने पानी में भिगोया था, उसके बाद हमने इन्हें घी में फ्राई किया था। तो इस तरह से करने से जब आपके मुंह में ड्राई फ्रूट आते हैं ना तो बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है, इसलिए पानी में भिगोकर फ्राई ज़रूर करें ड्राई फ्रूट को। तो हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं अपने शीरखुरमे में, साथ ही साथ इसे हम चलाते जाएंगे। और बहुत ही ध्यान से आपको शीरखुरमा बनाना होता है, एक मोटे तले का ही बर्तन लें ताकि दूध नीचे से लग ना जाए, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो दूध अच्छे से उबल रहा है, अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखी थी, और पहले सेवइयाँ ऐड कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। तो ये देखिए आप शीरखुरमे में कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम चीनी भी ऐड कर देंगे, चीनी ऐड करके हम अच्छे से चला लेंगे सभी चीज़ों को। बहुत से लोगों को इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करना पसंद होता है, बट मुझे कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है शीरखुरमे में, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वही बेस्ट होता है। तो हमने इस रेसिपी में किशमिश को भी ऐड किया है, आप किशमिश ऐड करने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद दूध में ऐड करें वरना दूध फट सकता है। तो फ्लेम हमारा हाई है और हम इसे चमचे से चलाते जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमने 15 मिनट पकाया है दूध को। सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद दूध में उबाल देखिए कितने अच्छे से आने लग गया है। तो बस हमारा शीरखुरमा बनकर तैयार है, अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, गैस स्टोव को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमने ठंडा करने के बाद शीरखुरमा को खोया ऐड कर दिया है ऊपर से, इस तरह से हाथों से तोड़कर जो हमने फ्राई करके रखा था। तो लीजिए हमारा शीरखुरमा बनकर तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाएं और सर्व करें ईद पर। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।